नमस्कार मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में गाइज आप सभी को पता है एक फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं चैप्टर वाइज अब तक हम ह्यूमन डिसीज डाइजेस्टिव सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके फिलहाल अभी हम जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात रुदिर परिसंचरण तंत्र तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए चैप्टर का नाम क्या है ब्लड सर्कुलटरी सिस्टम अर्थात रुधिर परिसंचरण तंत्र गई इस चैप्टर में मैं आपको इकतालीस क्वेश्चन करवा चुका आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर बयालीस से आज से पहले लगभग सात आठ क्लास हो चुकी है और पिछले सात आठ क्लास में मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया है बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं और उन कॉन्सेप्ट से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि रेलवे ग्रुप डी में एन टी पी सी में ए एल पी टेक्नीशियन में आर आर बी जे में आर पी एफ में वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बोर्ड पे करवाए हृदय की कार्य प्रणाली सहित मैंने आपको समझाई थी ब्लड वेसल्स रुधिर वाहिकाओं के बारे में बताया था आर्टरी वेन्स केपलरीज यानी कि धवनी सिराए के सिकाई इन सभी के बारे में बताया था ब्लड प्रेशर के बारे में बताया था रक्तचाप के बारे में बताया था रक्त दाब के बारे में बताया था कि एक्चुअली में रक्तचाप है क्या हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए वो भी मैंने आपको बताया था उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप के बारे में भी मैंने आपको बताया था ब्लड प्लेटलेट्स रक्त बिम्बाणों के बारे में मैंने आपको बताया था किस तरीके से हमारे शरीर में ब्लड क्लोटिंग होती है रक्त का थक्का बनता है उसके बारे में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था ऐसे पिछले क्लासों में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे और कॉन्सेप्ट आधारित हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए इसलिए इससे पहले की क्लासे अगर आपने नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं आज की क्लास में बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर बयालीस देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर बयालीस अच्छा क्वेश्चन है यह क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है अट्ठाईस बारह नंबर 42 कहता है कि निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है आपके ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन 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 नंबर 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 बी हृदय सी है रक्त डी है इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं चाहे वो ग्रुप डी ले लीजिए चाहे ए टेक्नीशियन ले लीजिए चाहे एन ले लीजिए चाहे जेई ले लीजिए तो ये चीज भी आपको पता होना जरूरी है कि भैया किस सिस्टम का हिस्सा कौन सा ऑर्गन है इतनी बात क्लियर है बताइए परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पूछा गया है कौन सा अंग नहीं है भैया सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा परिसंचरण तंत्र का हिस्सा मैंने आपको बताया था कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें हम शरीर के तीन अंगों के बारे में पढ़ते हैं एक ब्लड के बारे में पढ़ते हैं यानी कि एक रक्त के बारे में पढ़ते हैं एक हार्ट के बारे में पढ़ते हैं यानी कि एक हृदय के बारे में पढ़ते हैं और तीसरा हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं मैं आपको बहुत बार बता चुका भैया अगर आप में से किसी भी भाई ने सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र वाला चैप्टर नहीं देखा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप जाकर पढ़ सकते हैं ब्लड वेसल्स का मतलब होता है रुधिर वाहिकाए रुधिर वाहिकाए परिसंचरण तंत्र ऐसा तंत्र होता है या फिर मैं कहूं कि ऐसे अंगों का समूह होता है जो आपके शरीर में कोशिकाओं के बीच जो पोषक तत्व होते हैं उनका यातायात कराता रहता है कौन ये परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम इतनी बात क्लियर है ब्लड हृदय जो होता है वो आपका जो ब्लड होता है आपका हर्ट जो होता है आपका हृदय जो होता है वो ब्लड को पंप करता रहता है मैंने आपको बताया था आपके हृदय का कार्य ब्लड में बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपकी कोशिकाओं तक पहुंचाता है बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं ब्लड वेसल्स ये ब्लड जिन छोटी चुट छोटी नलियों में पैक होकर के घूमता रहता है वो होती है ब्लड वेसल्स रुदिरवाहिकाए आपने नाम सुनोगा आर्टरीज कैपिलरीज वेंस यानी कि धमनी केसिका सिराय वो सभी ब्लड वेसल्स होती है वो सभी वाहिकाएं होती है तो ऑप्शन देखिए हृदय दे, सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है रक्त यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है, है जिनमें होकर के आपका ब्लड बहता रहता है और धमनियों में किस प्रकार का ब्लड बहता है प्योर ब्लड बहता है इस चीज का आपको ध्यान रखना है यानी कि शुद्ध रक्त बहता है और शुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो मैं आपको बहुत तो अच्छे से पढ़ा चुका और जो बड़ी आंत है लार्ज इंटेस्टाइन है ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है मैं आपको बता दूं भैया ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है पाचन तंत्र का हिस्सा है, है भैया पाचन तंत्र का हिस्सा है याद रखना बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का भोजन का पाचन नहीं होता सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है क्या होता है एब्जॉर्प्शन अवशोषण होता है इतनी बात क्लियर है वो भी किसका पानी का तो ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया अट्ठाईस बारह दो हजार बीस को तो किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए एक एक क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ते हैं भैया कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ते हैं अब तक पिछले मैंने आपको इकतालीस क्वेश्चन जो भी करवाए हैं वो सभी कॉन्सेप्ट के साथ में करवाए हैं और आगे कुछ अभी तक तो हम आरबीसी से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं प्लाज्मा से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं डब्ल्यू से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं ये हमारे कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं इस चैप्टर में और इसके अलावा हृदय से संबंधित मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए जो कॉन्सेप्ट पर आधारित बताने वाले थे वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पर आधारित बताए हैं ब्लड वेसल्स के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है जो चीज बतानी थी वो चीज मैंने बताई है कॉन्सेप्ट से और जिस चीज को ऐसे ही क्वेश्चन जैसे नॉर्मल क्वेश्चन अभी नॉर्मल क्वेश्चन है क्या बताया अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या कॉन्सेप्ट होगा इसका तो आज मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो कॉन्सेप्ट पर आधारित नहीं है लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है भाई ऐसे क्वेश्चन आगे भी पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में भी पूछे गए हैं तो आने की संभावना है इसलिए इन क्वेश्चनों को ध्यान से देख लेना है एक बार इस चैप्टर में ये जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो बिना कॉन्सेप्ट के हैं उनको आपको मैं बता रहा हूँ इस क्लास में तो क्वेश्चन नंबर बयालीस कंप्लीट हो गए ओके अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तयालीस की ओर चले भैया ओके देखिए भैया ये रहा आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर तेयालीस अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तेयालीस कहता है कि सामान्य मानव रक्त है आपके ऑप्शन ये हैं ऑप्शन नंबर ए उदासीन ऑप्शन नंबर बी है थोड़ा अमलीय ऑप्शन नंबर सी है अमल या क्षार में परिवर्तनशील ऑप्शन नंबर डी है थोड़ा है। ये क्वेश्चन आपसे आर आर बी जेई में पूछा गया है चौदह बारह दो हजार चौदह को इससे संबंधित मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा चुका मैंने आपको पीएच के बारे में बताया था पावर ऑफ हाइड्रोजन किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का पता लगाने के लिए हम पीएच स्केल का उपयोग करते हैं और पीएच स्केल पर मैंने आपको बताया था कि एक से लेकर के चौदह तक अंक दर्ज होते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और ये चौदह मैंने क्या कहा किसी भी विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का पता लगाने के लिए हम पीएच स्केल का उपयोग करते हैं अरे कोई विलियन है उसमें अगर आप इस पीएच स्केल को डुबो करके देखते हो तो उस पर एक से लेकर के चौदह तक अंक होते हैं अगर अगर पर 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 आया अगर किसी विलियन में पीएच स्केल को मान आता है तो वो उदासीन होता है इस बात का आपको ध्यान रखना है सात से आगे की तरफ जाने पर सात से चौदह की तरफ जाने पर क्षारियता बढ़ती है इस बात का आपको ध्यान रखना है क्या बढ़ती है क्षारियता और सात से एक की तरफ जाने पर अम्लीयता बढ़ती है इस बात का आपको ध्यान रखना है अम्लीयता बढ़ती है तो साथ के अगर नीचे कोई मान आएगा तो समझ लेना है कि वो अम्लीय होगा भाई उस विलयन का जो नेचर होगा जो प्रकृति होगी वो अम्लीय होगी और सास से अगर अधिक मान आएगा उस विलियन का उस पीएच स्केल पर तो भैया उस विलयन की जो प्रकृति है जो नेचर है वो क्षारीय होगा अब क्षारीय में भी थोड़ा क्षारीय और बहुत ज्यादा क्षारीय अमली में भी थोड़ा छारिय और ज्यादा ज़्यादा अमलीय इस चीज का और आपको ध्यान रखना है तो हम थोड़ा छारिय और ज्यादा छारिय तो नहीं लिखेंगे लेकिन प्रबल अमल और दुर्बल अमल लिख लेते हैं दुर्बल छार और प्रबल छार लिख लेते हैं तो अगर मान एक दो तीन अगर यहां पर आसपास आ रहा है एक दो तीन है तो भैया ये होगा प्रबल अम्लीय ये मान होगा प्रबल अम्लीय मैंने कहा से चौदह की तरफ से एक की तरफ आने पर अम्लीयता बढ़ती है तो अम्लीयता बढ़ रही है तो एक दो तीन के आसपास के मान परबल अम्ल होंगे उसके अलावा चार पाँच छ के आसपास के मान क्या होंगे दुर्बल अम्लीय होंगे भैया दुर्बल अम्लीय होंगे सात पर जो मान होता है वो होता है उदासीन और आठ नौ और दस ये होते हैं भैया दुर्बल छार्य क्यों होता है ये दुर्बल छार्य क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि सात से चौदह की तरफ जाने पर क्षारियता बढ़ती है तो ये जो मान है ये दुर्बल छार्य हो ग्यारह बारह तेरह और चौदह ये जो मान होते हैं ये होते हैं परबल छार्य प्रबल छार्य अब ध्यान से समझिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सामान्य मानव रक्त मैंने आपको बताया था कि मानव रक्त जो होता है इस मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है सात पॉइंट चार होता है कितना होता है सात पॉइंट चार होता है अगर आप ब्लड में इस पीएच स्केल को डुबो करके देखोगे तो सात पॉइंट चार के आसपास मान आपको नजर आएगा और सात पॉइंट चार है तो उसका मतलब क्या है भाई सात पर तो उदासीन होगा सात से चौदह की तरफ जाने पर छारियता बढ़ेगी तो सात के आसपास के मन जैसे कि साढ़े सात है सात पुण चार है सात पुण्ट आठ है सात पुण नौ है वो सब दुर्बल छारियो होंगे भैया तो भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दुर्बल छारिये का मतलब क्या है थोड़ा छारिये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये पीएच मान अलग अलग का होता है जैसे कि दूध का अलग होगा शराब का अलग होगा ब्लड का अलग होता है

वो मानव रक्त होता है वो कैसा होता है वो थोड़ा छारियो होता है क्योंकि इसका मान क्या है सात पॉइंट चार है इतनी बात क्लियर है ये सारी चीजें मैंने आपको सिखा दी भैया ओके तो अब स्क्रीन शॉट ले लीजिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चम्बालीस की ओर चले भैया ओके देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर चम्बालीस क्वेश्चन नंबर चम्बालीस कहता है कि मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गुर्दा ऑप्शन नंबर बी है फेफड़े ऑप्शन नंबर सी है हृदय ऑप्शन नंबर डी है पेट और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आर आर बी जे में इकतीस पांच दो हजार उन्नीस को बताइए एंजियो प्लास्टिक का संबंध किस अंग से है तो यह होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हृदय से ऑप्शन नंबर सी हृदय से देखिए एनजियो जो है ना वो एक प्रकार की सर्जिकल प्रक्रिया है भैया क्या है सर्जिकल प्रक्रिया है इसमें क्या होता है आपका जो हृदय होता है और इस हृदय की जो मांसपेशी होती है इस हृदय की जो मांसपेशी होती है इन हृदय की मांसपेशियों को जो ब्लड सप्लाई करती है अरे आपका हृदय एक मस्कुलर हॉर्गन है एक मांसपेशी अंग है तो आपके हृदय को कह दू या हृदय की मांसपेशियों को कह दू बात एक ही है तो आपके हृदय को या हृदय की मांसपेशियों को जो ब्लड सप्लाई करती है उन्हें कहा जाता है ब्लड वेसल्स उन्हें कहा जाता है ब्लड वेसल्स रुधिर वाहिका और उस रुधिर वाहिकाओं को मेडिकल की लैंग्वेज में साइंस की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है कोरिनरी कोरोनरी आर्टरी कहा जाता है तो भैया ये कोरोनरी जो आर्टरीज होती है ना ये जो कोरोनरी आर्टरीज होती है ना सही है क्या कोरोनरी आर्टरीज कोरोनरी आर्टरी होती है ना जो कोरोनरी धमनी होती है ना इस कोरोनरी धमनी को खोला जाता है क्या हो रहा है आज यार इस कोरोनरी धमनी को खोला जाता है भैया इस एंजियोप्लास्टी में मैंने आपसे क्या कहा कि एंजियोप्लास्टी एक प्रकार की सर्जिकल प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में होता क्या है आपके हृदय को ब्लड सप्लाई करने वाले जो ब्लड वेसल्स है जो रुधिर वाहिका है या फिर मैं ये कह दूं कि आपके हृदय की मांसपेशियों को जो ब्लड सप्लाई यानी कि रक्त की सप्लाई करने वाली जो रुधिर वाहिकाएं है जो ब्लड वेसल्स है उन्हें कहा जाता है कोरोनरी धमनी या कोरोनरी आर्टरीज़ और इस कोरोनरी आर्टरी को इस कोरोनरी धमनी को इस सर्जिकल प्रक्रिया में खोला जाता है और कब खोला जाता है जब आपको दिल का दौरा पड़े उस वक्त ये भैया एंजियोप्लास्टी की जाती है दिल के दौरे के समय तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो एंजियोप्लास्टी है इस एंजियोप्लास्टिक का संबंध किस अंग से है तो हृदय से नया आया समझ में एक बार और समझिए देखिए आपके हृदय को जो ब्लड सप्लाई करती है उस ब्लड वेसल्स को उन रुधिर वाहिकाओं को कहा जाता है कोरोनरी आर्टरी या कोरोनरी धमनी तो जब इंसान को दिल का दौरा पड़ता है तो उस समय क्या होता है ये एनजीओ की जाती है और इस एनजियो ये जो कोरोनरी आर्टरीज है जो कोरोनरी धमनी है इसको खोला जाता है भैया तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आर आर बीजे में इकतीस पांच दो हजार इक्कीस को कि मानव शरीर के किस अंग पर ये एनजियो की जाती है तो भैया आपके हृदय में की जाती है इस बात का आपको ध्यान रखना आ गए आपको बात समझ में किसी को कोई प्रॉब्लम तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए स्क्रीन ले लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर पैंतालीस की ओर चले भैया ओके देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की क्वेश्चन नंबर पैंतालीस कहता है कि एक व्यस्त मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है

अगर मैं एक अडल्ट मेल के बारे में बात करता हूं अगर मैं एक अडल्ट मेल के बारे में बात करता हूं अगर एक व्यस्क पुरुष के बारे में बात करता हूं तो उसमें कितना ब्लड होता है उसमें होता है भैया पांच से छह लीटर ब्लड कितना होता है पांच से छह लीटर ब्लड होता है और अगर मैं अडल्ट फीमेल के बारे में बात करता हूं अगर मैं अडल्ट फीमेल के बारे में बात करता हूँ एक व्यस्क महिला के बारे में बात करता हूं तो उसमें होता है भैया पुरुष से थोड़ा सा कम होता है चार से पांच लीटर कितना होता है? चार से पांच लीटर होता है ये लो लिख दिया चार से पांच लीटर होता है अब औसतन क्या निकल के आया भाई औसतन अब क्या निकल के आया आपने देखा कि एक अडल्ट मेल में एक व्यस्क पुरुष में 5 से छह लीटर ब्लड है कितना है भैया पांच से छ लीटर ब्लड है और एक अडल्ट फीमेल में चार से पांच लीटर ब्लड है, है।, तो है भैया तो हम कह सकते हैं कि भैया औसतन लगभग पांच लीटर ब्लड होता है लगभग पांच लीटर ब्लड होता है एक व्यस्क मानव के शरीर में इतनी बात क्लियर है किसी को कोई प्रॉब्लम और याद रखना शरीर का जो कुल भार होता है जैसे कि मान लीजिए शरीर है उसका कोई भी कुल भार होगा तो उस कुल भार का सात परसेंट होता है भैया उस कुल भार का सात परसेंट होता है ब्लड जैसे कि अगर कोई इंसान सौ किलो का है अभी सौ का सात परसेंट कितना हो गया सात हो गया दो जीरो से दो जीरो गई तो भैया सात हो गया तो अगर कोई व्यक्ति 100 किलो का है तो उसमें सात लीटर ब्लड होगा तो पूरे शरीर के कुल भार का सात परसेंट होता है आप निकाल सकते हो कि भैया आप में कितना है जैसे कि अगर मान लीजिए आप में 80 किलो हो आप 80 केजी के हो 80 किलो के हो आप तो 80 किलो का 7 परसेंट निकाल दीजिए आपके शरीर में जो ब्लड होगा वो आ जाएगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी पांच किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल की और, की चले या? ओके। या, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर छियालीस की अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से समझना बहुत सारी नई चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है क्वेश्चन नंबर छियालीस कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्यों का हृदय के कार्यों को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को उपयुक्त रूप से बताता है यानी कि अधिक उपयुक्त रूप से बताता है आपके ये ऑप्शन दिए हुए ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ऑप्शन नंबर बी है इकोकार्डियोग्राम ऑप्शन नंबर सी है स्टेथोस्कोप ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं यह क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 19 4 2016 देखिए एक-एक के बारे में चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इकोकार्डियोग्राम ये जो इकोकार्डियोग्राम होता है ये हृदय के कार्यों को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है हृदय के जो कार्य होते हैं उनको बहुत अच्छे ढंग से बताने का काम कौन करता है इकोकार्डियोग्राम साथ ही साथ में हृदय के जो वाल्व होते हैं हृदय के जो वाल होते हैं जो कपाट होते हैं जो दरवाजे होते हैं अगर उनमें कोई रोग है तो उस रोग को भी बताता है कौन ये भैया इकोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसके बारे में आपने सुन रखा होगा इसको शॉर्ट फॉर्म में ईसीजी कहते हैं और इस ईसी की फुल फॉर्म आपसे आपके एग्जाम में पूछी गई है रेलवे में पूछी गई है कि ईसीजी का पूरा नाम क्या है तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है भैया इस ई का पूरा नाम हृदय की जांच के लिए ये इीजी उपयुक्त होता है याद रखना ये दिल की धड़कन का भी पता बताता है ये दिल की धड़कन का भी बताता है और साथ ही साथ में इससे निकलने वाली जो प्रावेंगनी किरणें हैं सॉरी इससे निकलने वाली जो विद्युत किरणें हैं प्राविंग किरणें नहीं होगा भैया इससे निकलने वाली जो विद्युत किरणें या विद्युत तरंगे हैं भैया इससे निकलने वाली जो विद्युत तरंगे हैं उन विद्युत तरंगों से भी आप हृदय की कोई बीमारी है उसका पता बता सकते हो भाई दिल से संबंधित कोई बीमारी है तो उसका पता लग सक जाता है भैया इस ईसीजी से इतनी बात क्लियर है स्टेट स्कोप आप सभी को पता है हृदय के धड़कन के लिए उपयोग किया जाता है साथ ही साथ में जो रक्त परिसंचरण है जो रक्त संचार है उसकी दशा का भी पता बताता है कौन ये इसको ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 19 4 2016 को बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं चाहिए एक बार और बताऊं ओके ध्यान से समझना मैंने आपसे क्या कहा कि इकोकार्डियोग्राम है वो हृदय के कार्यों को उपयुक्त रूप से बताता है साथ ही साथ में हृदय के जो वाल होते हैं जो कपाट होता है जो दरवाजा होता है उसमें अगर कोई रोग है तो उसको ये इकोकार्डियोग्राम बता देता है जो ईसीजी होता है इस ई का पूरा नाम याद रखना है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है ये हृदय की जाँच के लिए उपयुक्त होता है ई इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इतनी बात क्लियर है ये दिल की धड़कन का भी पता बताता है साथ ही साथ में इससे निकलने वाले जो विद्युत रंगे हैं वो हृदय से संबंधित कोई बीमारी है उसका भी पता बताता है टेलीस्कोप के बारे में आप सभी जानते हुए दिल की धड़कन हृदय की जो धड़कन होती है उसका पता पता बताता है साथ ही साथ में रक्त संचार की दशा का भी पता बताता है और ये क्वेश्चन आपसे आर आर बी एन टी पी सी में पूछा गया है उन्नीस चार दो हजार सोलह को तो किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ओके क्वेश्चन नंबर सैतालीस की ओर चलते हैं भैया चले ओके देखिए भैया ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर सैतालीस के बारे में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सैंतालीस कहता है कि रक्त एक डो 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 डो, डो यानी कि स्पेस दिया हुआ है बीच में उत्तक है आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मांसपेशी ऑप्शन नंबर बी है, है वाहिक का ऑप्शन नंबर सी है सयोजी ऑप्शन नंबर डी है तंत्रिका और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है पाँच दस दो तो हजार अट्ठारह को तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इनमें से कोई भी उत्तकों का प्रकार नहीं है सिर्फ एक है वो है ऑप्शन नंबर सी सयोजी तो आपको देखते ही राइट आंसर कर देना चाहिए अगर आपको उत्तकों के बारे में पता है तो, तो पहले तो अगर आपको उत्तकों के बारे में पता है उत्तकों से संबंधित तो आपको कॉन्सेप्ट याद है तो भैया आप उत्तकों से भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो दूसरी बात अगर आपको ब्लड के बारे में पता है तो ब्लड से भी इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो क्योंकि ब्लड के बारे में आपने सुना होगा कि जो ब्लड होता है ध्यान से समझ लेना आज बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं इस क्वेश्चन में ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है सुना है ना आपने लेकिन कभी मतलब नहीं समझे होंगे आप इसका भाई इस लाइन का मतलब क्या है ये तो आपने सुन लिया लिया होगा होगा मार कि ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी होता है लेकिन कभी समझ में नहीं आया होगा कि तरल संयोजी उत्तक का मतलब क्या है उत्तर एक एक कुछ ध्यान से समझते उत्तर उत्तक का मतलब होता है टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स ग्रुप सेल्स कोशिकाओं का समूह ही उत्तक कहलाता है ये आपको अच्छे से पता है मैं आपको बहुत बार बता चुका जब बहुत सारे कोशिका जो एक जैसा कार्य करती है अगर वो समूह बना लेती है तो टिश्यू का निर्माण होता है उत्तक का निर्माण होता है इतनी बात क्लियर है संयोजी एक प्रकार का उत्तक जो होता है वो एक प्रकार का संयोजी उत्तक है देखिए उत्तक बहुत सारे प्रकार के होते हैं जिनमें से एक होता है संयोजी संयोजी का मतलब होता है जोड़ने वाला का मतलब क्या होता है जोड़ने वाला अब ये किसको जोड़ता है अरे भाई किसको जोड़ता है शरीर के अंगों को जोड़ने का काम करता है ये शरीर के अंगों को जोड़ने का काम करता है कौन ये संयोजी उत्तर संयोजी संयोजी का मतलब क्या होता है जोड़ने वाला किसको शरीर के अंगों को जैसे कि आपके ब्रेन को लीवर से जोड़ना है तो किसकी सहायता से जुड़ेगा वो वो ब्लड की सहायता से जुड़ेगा तरल का मतलब क्या होता है तरल का मतलब होता है लिक्विड अवस्था में जैसे कि पानी लिक्विड अवस्था में होता है जब आपको चोट लगती है तो आप देखते हो हमारे शरीर से जो ब्लड बहता है ब्लड निकलता है वो लिक्विड अवस्था में बहता है द्रव अवस्था में बाहर निकलता है क्यों निकलता है क्योंकि आपका जो ब्लड होता है ना उसको दो भागों में बांटा गया है एक ठोस में <coughs> और दूसरा द्रव में तो द्रव भाग होता है वो पचपन परसेंट होता है सॉरी <coughs> और जो ठोस भाग होता है वो पैंतालीस परसेंट होता है इस ठोस वाले भाग में हम ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं जैसे कि आर बी सी डब्ल्यू बी सी और प्लेटलेट्स ठीक है और इस द्रव वाले भाग में हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं और इस प्लाज्मा में नब्बे से लेकर के बानवे परसेंट क्या होता है वाटर होता है भैया पानी होता है इसलिए आपका जो द्रव होता है आपका आप इसलिए आपका जो ब्लड होता है वो लिक्विड अवस्था में होता है द्रव अवस्था में होता है क्योंकि पचपन परसेंट में क्या है प्लाज्मा है इस प्लाज्मा में नब्बे से बानवे परसेंट पानी है तो इसलिए कहा जाता है आपके ब्लड को कि ये ऐसे कोशिकाओं का समूह है आपका ब्लड जो लिक्विड अवस्था में है जो तरल अवस्था में है आपके शरीर के अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है ये ब्लड की डेफिनेशन है इसलिए ब्लड को कहा जाता है कि यह एक प्रकार का तरल संयोजी तक है इसमें बहुत सारी कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं आरबीसी डब्लू बी सी प्लेटलेट्स ये बहुत सारी कोशिका जो आरबीसी होती है वो मिलियंस में होती है डब्लू बी सी होती है वो हजारों में होती है और जो प्लेटलेट्स है वो लाखों में होती है तो इसमें कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं ऐसे कोशिकाओं के समूह जो लिक्विड अवस्था में होते हैं द्रव अवस्था में पाया जाता है यानी कि ब्लड के अगर आपसे पूछे तो ऐसे कोशिकाओं का समूह है जो लिक्विड अवस्था में होता है और आपके शरीर के अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है वो होता है एक प्रकार का इसलिए कहा जाता है आपके ब्लड को एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक ये होती है डेफिनेशन ये होता है इसका मतलब तो ब्लड क्या है एक प्रकार का संयोजी उत्तक है भैया ऐसे कोशिकाओं का समूह है जो आपस में जोड़ने का काम करता है आपके शरीर के अंगों को तो क्वेश्चन नंबर सैतालीस समझ में आया ओके। स्क्रीन शॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर अड़तालीस की ओर चलते हैं ले लिया आपने स्क्रीन शॉट ओके भैया देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर अड़तालीस बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि हृदय चक्कर क्या है आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एक धड़कन और एक नाड़ी दर ऑप्शन नंबर बी है एक तंत्रानुसारी और एक चक्कर ऑप्शन नंबर सी है हृदय के, right right के संकुचन और शीतलीकरण का एक चक्कर ऑप्शन नंबर डी डी है कोई नहीं ग्रुप दो ग्यारह दो हजार अट्ठारह को बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर सी है हृदय के संकुचन और शीतलीकरण का एक चक्कर संकुचन क्या होता है जब आपके हृदय के चैम्बर सिकुड़ते हैं उसे कहा जाता है संकुचन और आपके हृदय के चैम्बर जब फैलते हैं तो उसे कहा जाता है शिथिलीकरण देखिए होता है क्या है जब आपके हृदय के चैम्बर सिकुड़ते हैं तो आपके हृदय से ब्लड बाहर जाता है ऊपर आलिंद होते हैं नीचे नीले होते हैं तो जब आलिंद सिकुड़ते हैं तो नीलों में ब्लड आ जाता है जब नीले सिकुड़ते हैं तो ब्लड जो है वो हृदय से बाहर चला जाता है इतनी बात क्लियर है और शिथिलीकरण का मतलब क्या होता है फैलाव यानी कि जब आपके हृदय के चैम्बरों में फैलाव आता है जैसे कि अब आलिंदों में फैलाव आया तो आलिंदों में ब्लड प्रवेश करेगा तो नीलों में फैलाव आया, तो भैया आलिंद से नीले में ब्लड प्रवेश करेगा इस चीज का आपको ध्यान रखना है तो हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का जो एक चक्कर होता है वो होता है भैया आपका हृदय चक्कर किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए यह क्वेश्चन आपसे आर ग्रुप डी में पूछा गया दो ग्यारह दो हजार अठारह को मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया भैया हृदय के बारे में इसलिए कहता हूँ कि अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ाया तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप जाकर पढ़ सकते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है ब्लड वेसल्स के बारे में ब्लड के बारे में और हृदय के बारे में तो भैया मैंने एक चैप्टर में आपको ब्लड वेसल्स और हृदय के बारे में पढ़ाया है और एक अलग से चैप्टर मैंने ब्लड के बारे में आपको अलग से पढ़ाया है तो दो चैप्टर है अलग अलग पढ़ाए हैं मैंने जा करके देख लेना लगभग ये चैप्टर एक महीने में कम्प्लीट हुआ था क्योंकि लगभग दस से बारह क्लास तो आपको ब्लड वाले चैप्टर में लग गए होगी और लगभग इतनी ही क्लासे आपको भैया इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में यानी कि हृदय और ब्लड वेसल्स में लग गया होगा बहुत बड़ा चैप्टर लगभग 20-25 क्लास तो होती ही होती है इसकी ठीक है ये क्वेश्चन आपसे आर आर बी ग्रूप डी में पूछा गया दो ग्यारह दो तो हज़ार अट्ठारह को स्क्रीन शॉट ले लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं चले भैया ओके देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर उनचास के अच्छे क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है किसको चार भागों में विभाजित किया जाता है ये आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा ऑप्शन नंबर बी है आमाश्य ऑप्शन नंबर सी है गुर्दा ऑप्शन नंबर डी है हृदय और ये क्वेश्चन आपसे आर आर बी जे में पूछा गया है एक दिस पांच दो हजार उन्नीस को तो किसको चार भागों में विभाजित किया जाता है आपके हृदय को आपके हृदय को चार भागों में विभाजित करने वाले जो मांसपेशी होती है उसे सेप्टम कहा जाता है चार चैम्बरों में बांटती है चार कक्ष में चार कमरों में बांटती है ऊपर वाले दोनों आलिंद होते हैं नीचे वाले दोनों नीले होते हैं बायां आलिंद, बाया आलिंद दायां नीले और बाया नीले ये चार चैम्बर होते हैं दो फेफड़े होते हैं एक राइट और एक लेफ्ट आमाशय के तीन भाग होते हैं गुर्दा यानी कि आपकी किडनी होती है वो दो होती है राइट और लेफ्ट इतनी बात क्लियर है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ओके आज का अंतिम क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर चलिए बात करते हैं ले ले लीजिए लिया ले ले भैया ओके देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर पचास क्वेश्चन नंबर पचास कहता है कि इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है ये आपके ऑप्शन नंबर ए ईसीजी ऑप्शन नंबर बी ए स्टेथेस्कोप ऑप्शन नंबर सी है पेसमेकर ऑप्शन नंबर डी है स्कैनर ये क्वेश्चन आपसे आर आर बी जे में पूछा गया है सत्ताईस पांच दो हजार उन्नीस को और इस क्वेश्चन का आप आंसर देने वाले हो क्योंकि हर रोज मैं ही क्वेश्चन करवाता हूँ एक क्वेश्चन का आंसर तो आप भी दीजिए पता तो लगे कौन कौन पढ़ रहा है कौन कौन नहीं पढ़ रहा तो आंसर बताना कमेंट बॉक्स में कलम क्वेश्चन नंबर इक्यावन से स्टार्ट करेंगे ठीक है हाँ आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है वही सूचना हर रोज देता हूं और आज फिर दोबारा दे रहा हूं कम्युनिटी पोस्ट में अगर जिस क्वेश्चन को मैं डालता हूँ देखिए हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ जिसका आंसर चार पाँच स्टूडेंट चार पाँच हज़ार स्टूडेंट हर रोज देते हैं आप भी दीजिए ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बने रहे ये वो क्वेश्चन होते हैं जो याताप से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए होते हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना रहती है अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो बायोलॉजी के बेहतरीन और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी जिससे होगा क्या आपको एग्जाम हॉल में फायदा मिलने वाला है मेरा नाम रवि है मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए कृपया देने की आवश्यकता नहीं है सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है वेलाइकन को प्रेस करना है ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके मिलते हैं आज नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत राम राम